तो हेलो व्यूअर्स, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल साइंस में सेल्स यानी कि कोशिका के बारे में बात करेंगे। कोशिका होती है जो सेल्स है, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो सेल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल्स। तो दोनों तरह की जो कोशिकाएं होती हैं, इन दोनों तरह की कोशिकाओं में से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो लेकर के आए हैं। लेकिन इसमें हमने बेस्ट 50 क्वेश्चंस का संश्लिष्ट समावेश किया है और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हम आपको लाइव दे रहे थे लेकिन लाइव में कुछ प्रॉब्लम हुआ, मीन्स नेटवर्क इशू, कुछ वॉइस को लेकर के प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो हम आपको ये वीडियो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। जनरल साइंस में जो सेल्स होती है, सेल्स से रिलेटेड प्रश्न हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको हमें एक बार देख लेना चाहिए, नहीं कि हमें इनको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए जिससे कि इससे आने वाले कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। तो चलिए हम फिर सेशन को शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान में, बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी को लेकर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोशिका यानी कि सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि जिस विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम कोशिका यानी कि सेल्स का की स्टडी करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी है ये, क्या फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं या फिर साइटोलॉजी कहते हैं या फिर टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो देखिए, जो सेल्स होते हैं कोशिका की जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। इनकी ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो हमारा आंसर सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये कोशिका आप देख रहे होंगे, देखिए कितना शानदार चित्र है, इतना अच्छा है चित्र हमने यहाँ पर लिए उठाया है। तो कुछ जो प्रश्न है जिनमें हमें एक चित्र यानी कि एक इमेज की जरूरत पड़ेगी, हमने उन क्वेश्चन को इमेज के द्वारा ही आपको समझाया है। तो देखिए ये आपका एक सेल्स है, एक कोशिका है और एक ये कोशिका की क्या है, एक अनुप्रस्थ काट है। और इसमें हम आपको देखें तो यहाँ पर देखिए जो नीला वाला पार्ट है, ब्लू पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये इसका न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है। और यही कौन क्या होता है, यही इसका एक कंट्रोल करता है। ठीक है, यही क्या करता है, ये इसको पूरी कोशिका की जितनी भी जो रिएक्शंस होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सबको ये कंट्रोल करता है। ठीक, उसके ऊपर आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा इस तरह की जो आकृति है, ये आप इसको भली भांति जानते होंगे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सूत्र कणिका। क्या कहते हैं, सूत्र कणिका कहते हैं। ये कोशिका की सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये आपको जो आकृति दिख रही है रेड वाली, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले एक देखिए स्मूथ यानी कि एक होती है एस ई आर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ यानी कि आर ई आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके नीचे आपको ये वैक्यूल्स दिख रहा होगा एक, तो इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स बोलते हैं। इसमें आपको ये पॉइंट यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है राइबोसोम्स। और जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ये भी कितने, एक 80S प्रकार के और एक 70S
प्रकार के। ठीक, ये गोल्जी बॉडीज होती है, ये होती हैं गोल्जी बॉडीज। ठीक, ये गोल्जी बॉडीज हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स है हमारी कोशिका की। ठीक, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं, पावर हाउस भी इसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और इन्हें किसमें देखा? एक पतली कॉर्क का एक टुकड़ा था, उस कॉर्क के टुकड़े में इनको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन कोशिकाओं को देखा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के खोज उन्हें में देखकर की थी, तो किस में देख करके की थी? यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्याज की झिल्ली में की थी? नहीं की थी। पतली कॉर्क के टुकड़े में? यस, पतली कॉर्क के टुकड़े में ही की थी। तालाब के जल में? नहीं, तालाब के जल में नहीं की। और कोई विकल्प सही नहीं, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है और ए भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, इनकी पतली कॉर्क के टुकड़े में इन्हें देख करके इनकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, लुवेन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी, कहाँ की थी? तो इनको जो देखा था लुवेन हॉक ने, लुवेन हॉक ने जो इन कोशिकाओं की जो खोज की थी, स्वतंत्र जीवित कोशिका, देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्र जीवित कोशिका लिखा है, तो इसकी जो खोज की थी लुवेन हॉक ने सबसे पहले तालाब के जल में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, ये ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, तालाब के जल में। क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? आप सभी जानते होंगे जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, तो इस लिहाज से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, दिया गया कथन निम्न में से किस सिद्धांत का है? जैव विकास का सिद्धांत, वंशानुगति का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का सिद्धांत, या फिर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो देखिए, सभी पौधे और जंतु जो हैं वो कोशिकाओं से बने हैं, और इनके जो कोशिका है, कोशिका जीवन की हमारी एक मूलभूत इकाई है, जीवन का आधार है, कोशिका को आधार माना गया है। तो ये किस सिद्धांत में है? तो यही कोशिका सिद्धांत में है, इसमें है कोशिका सिद्धांत में। इस कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? तो एक तो दो वैज्ञानिक थे, एक तो श्वान और थोडोर श्वान थे और स्लीडर, श्वान और स्लीडर, तो इन दोनों ने इस सिद्धांत को दिया था, कोशिका सिद्धांत को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, कोशिका सिद्धांत ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सेवन, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जवाब आपको पहले ही बता चुके हैं, एमजे श्लीडन और थियोडोर स्वान, एमजे श्लीडन और थियोडोर स्वान है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए 50 प्रश्न है, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम जहां पर जरूरत होगी व्याख्या की तो वहां हम व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, बाकी हम जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन हैं, अगर वो जल्दी से हम रिवीजन करना चाह रहे हैं तो रिवीजन बहुत तेजी से हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो ये किसने कहा था? तो ये भी जो कहने वाले हैं वो एम स्वीडन और टी श्वान है, इनकी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यूरेनियम, यहाँ पर इसको गलत कर दें, ये यूरेनियम कुछ नहीं है, हम नया आंसर लगाते हैं, तो ये है एम जे स्वीडन और थियोडोर श्वान। ठीक, क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता? राइबोसोम्स, कोशिका झिल्ली, नाभिक या केंद्र, या फिर डीएनए? तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें नाभिक या केंद्रक नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे किसी में शेल वॉल नहीं होती,
या एक किसी में केंद्रक नहीं होता, तो ये इन दोनों कोशिकाओं को क्या डिफरेंस बताती है? तो नाभिक या केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 10, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण टेस में होता है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेंट्रोसोम्स में होता है, राइबोसोम्स में होता है या न्यूक्लियस में होता है। तो जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है, यानी कि केंद्रक में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यूकेरियोटिक कोश सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकेरियोटिक सेल यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से, लिपोप्रोटीन से, फास्फोलिपोप्रोटीन से या फिर फास्फोप्रोटीन से? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड से। किससे? फास्फोलिपिड से बनी होती है क्या? प्लाज्मा झिल्ली, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है किसके कारण? देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वे एक दूसरे से भिन्न हैं, किसके कारण है? एस्पर झिल्ली के अनुपस्थिति के कारण, क्रोमोसोम्स के कारण या फ्लैजेला के 9+2 संरचना के कारण या फिर डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव के कारण? तो प्रोकैरियोटिक जो से यूकैरियोटिक जो कोशिका है वो भिन्न है, वो एस्पर झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण ये इनसे अलग होते हैं, इनसे भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका जो झिल्ली होती है उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो नेचर है वो कैसा है? पारगम्य है, मतलब आर पार देख सकते हैं उसमें, अर्ध पारगम्य है यानी कि थोड़ा कोशिकर देख सकते हैं, स्वतंत्र है या फिर गैर पारगम्य है? तो जो कोशिका झिल्ली है उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो नेचर है वो कैसा है? वो अर्ध पारगम्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, अर्ध पारगम्य। क्वेश्चन नंबर 14, प्लाज्मा झिल्ली इनकी कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली एक ही बात है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर ए और बी, मतलब प्रोटीन और लिपिड से? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यानी कि डी है, ये दोनों हमारा सही होगा, क्योंकि ये क्या होती है कि लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किससे? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा। चलिए इतना समझ में आ रहा होगा आपके, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के कोशिका के भीतर या बाहर आने जाने की जो अनुमति देता है वो कौन है? कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य है, कोशिका भित्ति है या फिर प्लाज्मा झिल्ली है? तो क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए जो कोशिका में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उसको बाहर आने जाने की जो अनुमति है वो देते हैं, देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है ये यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, ठीक, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। जो कुछ पदार्थ हैं जो कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने की अनुमति देते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्म, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका यानी कि आरबीसी या सॉरी डब्ल्यूबीसी या फिर लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी। तो सबसे जो छोटी कोशिका है वो कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, माइकोप्लाज्म। 17, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है, यानी कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स जो होती है इन दोनों से को
अलग करती है, उन दोनों में अंतर पैदा करती है, वो कौन सी रचना है? तो कौन है? राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोमियर है या सेंट्रियोसोल है? तो वो कौन है? तो देखिए, जो सेंट्रियोसोल है, ठीक है, जो सेंट्रियोसोल है, ये क्या है? इन दोनों कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा। ठीक, चलिए इसे हम एक डायग्राम के, एक चित्र के माध्यम से इसको एक बार समझते हैं। देखिए, ये कोशिका है और इसमें देखिए यहां पर जो ये देखिए, ये एक एनिमल सेल्स है। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोल पाया जाता है। एनिमल जो सेल्स है इसमें सेंट्रोसोल पाया जाता है, बट जो प्लांट सेल्स है इसमें ये नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोल नहीं पाया जाता, और इसी कारण, इसी से ये एक दूसरे से अलग हो जाती है। देखिए, न्यूक्लियस को हम देखें, न्यूक्लियस दोनों में है, इसमें भी है और यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, दोनों में है। यहाँ पर आपको सेम वही संरचना यहाँ पर दिख रही होगी, सेम यहाँ पर दिखेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में सेम दिखाई देती है, जैसे यहाँ पर भी है और इसमें भी। आपको यहाँ पर ये वाली जो ये है, ये सेंट्रोसोल्स है। उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट, एक देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? वो एक हरित लवक है और ये केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है, जिसके कारण ही जो वनस्पति है, जो प्लांट्स है, वो अपने भोजन निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। और गोल्जी बॉडीज, जो गोल्जी बॉडीज हैं, वो दोनों में पाई जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं गोल्जी बॉडीज दोनों में हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी आपको दोनों में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ देखिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दोनों में मिलेगा, क्योंकि जो जीव द्रव्य है वो दोनों में उपस्थित होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको दोनों में देखने को मिलेगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेंट्रोसोल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? श्वेषण का, उत्सर्जन का, प्रोटीन संश्लेषण का, या फिर कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण का? कौन सा कार्य है जो इसमें किसकी राइबोसोम के अनुपस्थिति में नहीं हो सकता? तो देखिए, जो राइबोसोम्स हैं वो किसके, किसका क्या कार्य करते हैं? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम के कारण ही होता है कोशिका में। अगर किसी राइबोसोम्स नहीं होगा तो वहां पर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 19 है, कोशिका का ऊर्जा ग्रहण के शेल पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सभी जानते होंगे, एक बच्चे वाला सवाल है, आपने पढ़ा होगा। तो जो शेल्स है उसका जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यानी कि इसको हम सूत्र कणिका भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एटीपी अणु जो होते हैं, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें निर्माण होता है, और इन्हीं के द्वारा पूरी कोशिका को क्या ऊर्जा प्राप्त होती है। तो या इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए, ये सेल्स आपको दिख रही होगी पूरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं आपको ये जो दिख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? इसमें एटीपी अणु बनते हैं, एटीपी अणु बनते हैं, और इन एटीपी अणु के द्वारा ही क्या होता है, पूरी सेल्स को ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसी ऊर्जा प्राप्त होने के कारण सेल्स का पावर हाउस, इसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम्स भी हमारे इसी में पाए जाते हैं। ठीक, ये आपको दिख रहे होंगे, ये राइबोसोम्स हैं, और इनके कारण प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है कोशिका में। डीएनए के हेक्सेस आपको दिख रहे होंगे, जिस तरह के ये आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है? डीएनए है, डीएनए भी इसी में पाया जाता है। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। 19 के बाद 20 है, राइबोसोम में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी कॉय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर सेंट्रोसोम में? तो राइबोसोम में जो राइबोसोम में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो जो प्रोटीन संश्लेषण है वो कहाँ पर होता है? अभी हमने बताया कि जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? वो राइबोसोम में होती है। कहाँ होती है? राइबोसोम में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड पंच ऑफ सेल कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन हर किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एग्जाम देने से पहले एक बार यहाँ से जरूर देख करके जाए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है वो किसे कहते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्जी कॉय। तो जो देखिए जो लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या है, वो सुसाइड्स पंच होते हैं, इसमें इन्हें हम आत्महत्या की थैली कहते हैं कोशिका का। ठीक, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स को कहते हैं। 22, मृत कोशिका को क्या कहते हैं, मृत कोशिका क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं, काइरिन कहते हैं, नेफ्रोजेन कहते हैं या फिर नियोकार्बन कहते हैं। तो जो मृत कोशिका है, मृत कोशिका को हम नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी। देखिये जीव द्रव्य यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी जो खोज की थी किसने की थी, पुरकिंजे ने, बॉबरी ने, एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने या फिर फ्रांसिस्को रेडी ने। तो जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कि जीव द्रव्य है, इसकी जो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक का नाम है वो है पुरकिंजे। कौन है, पुरकिंजे है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। जो जेली जैसा जो एक पदार्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका के में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या उपरोक्त में से कुछ नहीं, तो हम इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ही हमने पढ़ा है, और कोशिका द्रव्य ही हमने कोशिका के भीतर पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है जो जेली के जैसा होता है। 25, लवक या प्लास्टिड किस कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। देखिए जो लवक होते हैं यानी कि प्लास्टिड्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, ये अपना क्या करते हैं, फूड बनाने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करते हैं पौधे। इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश में यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के करके। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, पादप कोशिका में, ये इसका आंसर सही होगा। ठीक, पादप कोशिका में। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी कि CCMB कहाँ स्थित है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो जो कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 27 है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है, यह किससे बे और ना यहाँ पर है, तो किससे बना होता है। जो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है उसे हम, वो किसका बना होता है। तो देखिए ये जो बना होता है किसका बना होता है, केवल कोशिका द्रव्य का बनेगा या केंद्रक द्रव्य या केंद्रक द्रव्य से बनेगा, या फिर केवल केंद्रक द्रव्य से बनेगा, या कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से मिल के जो अंग होंगे उनसे मिलकर के बना होता है। तो जो कोशिका का जीवित अंश है वो जीव द्रव्य है, और जो जीव द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और उसके साथ में बहुत सारे जो कोशिकांग हैं वो भी उसके साथ में मिले होते हैं, और इन्हीं कारण इसी से क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है, जिसे हम जीव द्रव्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। तो किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जुगलीना में, पैरामीशियम में, गोनियोलेक्स में या फिर माइको प्लाज्म में। तो किसमें नहीं पाई जाती, तो माइकोप्लाज्म जो होता है, माइकोप्लाज्म में क्या कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा, माइकोप्लाज्म। 29 नंबर, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका यानी कि वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। देखिए हमने देखा है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया तो भाई दोनों में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जो होती है मेम्ब्रेन ये भी दोनों में पाई जाती है, और जो लाइसोसोम्स है ये भी सब दोनों में पाए जाते हैं।
लेकिन जो कोशिका भित्ति यानी कि जो शेल वॉल है ये केवल क्या पादप कोशिका यानी कि जो वनस्पति कोशिका है इसमें पाई जाती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति यहां सही होगा। 30 नंबर, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कौन से युग्म हैं जो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? 30 नंबर, कोशिका भित्ति न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट, अंतर्द्रव्य जालिका, कोशिका कला या कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका जो कला है ये इसमें युग्म है जो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और शेल कोशिका जो कला है वो इन दोनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कौन से भाग हैं जो वनस्पति कोशिका में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं? तो देखिए इसमें क्या क्या, देखो कोशिका कला, हरित लवक, रिक्ति का। देखिए हरित लवक जो है वो किस में पाया जाता है? वो केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाएगा, प्लांट सेल्स में पाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं बनेगा। कोशिका भित्ति केंद्र को रिक्ति का, तो कोशिका भित्ति ये भी एक में ही पाई जाती है, तो ये भी नहीं होगा। कोशिका कला कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका भित्ति हरित लवक, कोशिका द्रव्य तो हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, कोशिका कला कोशिका द्रव्य और केंद्रक वो दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को किसके रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये होते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। 32, 33, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीवन का जो भौतिक भौतिक आधार है वो किसे माना जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जीव द्रव्य। तो माना जाता है जीव द्रव्य को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा। 34, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है? जीव द्रव्य में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा होता है? तो जल जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है जीव द्रव्य में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। 35, अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक की सतह किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है? तो जो खुरदरी होते हैं किसके कारण होते हैं? जो ईआर होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं उन पर क्या लगे होते हैं जिसके कारण की जो सतह है वो खुरदरी हो जाती है? तो आपने देखा होगा जो ईआरस होती हैं उनके ऊपर इस तरह से लगे होते हैं, और ये जो लगे होते हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा, राइबोसोम्स। चलिए 35 के बाद 36 नंबर है, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो किसकी होगी भूमिका इनमें, तो क्वेश्चन नंबर 36 है। तो देखिए जो आप हम देखे जो प्रोटीन संश्लेषण है वो किसमें होता है? वो राइबोसोम में होता है। हम सभी जानते हैं राइबोसोम में के द्वारा ही प्रोटीन संश्लेषण होता है।
लेकिन राइबोसोम्स कहाँ पर होते हैं, वो ईआर पर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं, तो जिस कारण से ये दोनों ही जो भाग हैं, दोनों ही जो कोशिका के जो दोनों अंग हैं, वे ही प्रोटीन संश्लेषण में अपनी सबसे अधिक भूमिका निभाते हैं। तो खुरदरी यानी कि रफ ईआर कौन सी होती है, रफ ईआर और राइबोसोम होती है, इनकी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स ईआर पर ही लगे होते हैं और राइबोसोम में ही प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को सही तक आंसर कर सकते हैं। एक इतनी बातें हमको याद रखनी है। 36 और 37, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं, प्रोटीन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, वसा निर्माण, श्वसन, कई कई बार पढ़ लिया, तो प्रोटीन निर्माण के किसके, प्रोटीन निर्माण के, तो ऑप्शन नंबर ए। 38, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव बैग कहलाती है, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या फिर लाइसोसोम। जो डाइजेस्टिव जो बैग होते हैं वो कौन होती है, तो ये होती है लाइसोसोम। क्या होती है, लाइसोसोम्स होती है, और लाइसोसोम्स को भी हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को ही हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, इसे क्या, सुसाइड बैग भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, लाइसोसोम्स। किस कोशिका को कोशिका के आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहते हैं, तो सुसाइड बैग हम किसे कहते हैं, अभी पीछे हमने कई बार पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो जो लैनकाय होते हैं, इनके जो लाइसोसोम्स होते हैं, वही सुसाइड बैग होते हैं कोशिका के। ठीक, कोशिका के। क्वेश्चन नंबर 40, किस कोशिकांग अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो किस कोशिकांग अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, सूत्रकणिका या फिर हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 40, तो जो सूत्रकणिकाएं हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में जो पायरुविक अम्ल है वो टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर क्या बनता है, एटीपी, जो एटीपी होते हैं, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं और जो पूरी सेल्स को एनर्जी देते हैं, और इसी एनर्जी के कारण इसको पावर हाउस कहा गया है कोशिका का। तो सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। 41, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है, अभी बताया ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जो एटीपी है वो क्या है, कोशिका के ऊर्जा के रूप में इनको हम जाना जानते हैं, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित में होता है, में स्थित में होता है मतलब किसकी उपस्थिति में होता है, में उपस्थिति होगा ये, ठीक है, उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में होगा, राइबोसोम नहीं जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो हरित लवक है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, इन्हीं की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन प्लांट सेल्स में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। 43, डीएनए की द्विसूत्री द्विकुंडलिनी संरचना का पता लगा, यानी कि जो डबल हेलिक्स है, डीएनए की जो डबल हेलिक्स है उसका जो पता किसने लगाया था, मार्गन ने, ब्रिज ने, हरगोविंद खुराना ने, वॉटसन और क्रिक ने, सभी ने पढ़ा होगा 6वीं 7वीं 8वीं में, तो वॉटसन और क्रिक जो है ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 6वीं 7वीं 8वीं तो 9वीं और 10वीं में तो पढ़ा ही पढ़ा होगा, ये जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स है उसकी जो रचना जो पता लगाया था वो सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने बनाया था, हम इस तरह से पढ़ते हैं, देखते हैं ना, ये तो ये क्या है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना है, और इस पर ये इस तरह की संरचना आपने अपनी बुक्स में जरूर देखी होगी। चलिए, तो वॉटसन एवं क्रिक यानी कि ऑप्शन नंबर डी। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, मीन्स न्यूक्लियस में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन डीएनए उसके बाहर में कहाँ पर भी मिलेगा,
तो हमने पीछे एक डायग्राम देखा था, किसका देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो हम इस तरह की जो संरचनाएं हम देख रहे थे, ठीक, इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया थी, और इसी में हम इस तरह से इनको हम देख रहे थे। तो ये क्या है, ये डीएनए है, कौन है, डीएनए है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम केंद्रक के अलावा हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलता है, डीएनए हम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। 45, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। अनुवांशिक लक्षणों किससे पहुंचते हैं, डीएनए के द्वारा, ठीक है, डीएनए के द्वारा ही हमें ये पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या, कहां गया भाई, तो डी, यानी कि डीएनए, ठीक, डीएनए यही नियंत्रण करता है जो अनुवांशिक लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए उत्तरदायी होगा, वो कौन होगा, डीएनए होगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जीन किन बने होते हैं, किसके बने होते हैं, स्टोन के बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो जो जीन होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो जीन किसके बने होते हैं, हम सभी जानते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके द्वारा ही ये जीन बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। 47, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अग्नाशय है, उपकला है, तंत्रिका कोशिका या अधिचर्मी कोशिका है। तो जो हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ठीक है, कौन है, तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं वो मानव शरीर की यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। 48, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर यहाँ से भूल जाते हैं, बहुत भूलते हैं, क्या है, देखिए हमारी जो जीवा होती है, जीव होती है ना, इस तरह से ये है ना, अगर हम मीठे का स्वाद लेना ना तो हम कहाँ से चखते हैं, यहाँ से चखते हैं, केवल आगे जीव निकाल दिया और यहीं से चख लिया तो ये कौन सा हो गए, तो मीठा है। इसी के साइड में यहाँ पर दोनों तरफ इधर इतना ये साइड, यहाँ हमें क्या कौन सा स्वाद पता लगता है, यहाँ पे हमें लगता है सॉल्ट, यानी कि जो नमकीन होता है, ठीक, जो नमकीन होता है, नमकीन हमें यहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलेगा स्वीट्स यानी कि मीठा, यहाँ पर सॉल्टी, और इसी के बराबर से यहाँ से हम देख सकते हैं तो यहीं से हमें दोनों तरफ से यहाँ से हमें कौन सा श्योर यानी कि जो खट्टा होता है, ठीक है, जो खट्टा होगा वो हमें यहाँ से प्राप्त दिखता स्वाद आएगा उसका, और यहां से आएगा हमें सॉल्टी, और ये हमारा स्वीट्स, और देखिए जो पार्ट है ना अंदर वाला जो होता है यहाँ पर, ये जब हम कभी कोई कोई से बिटर्स बिटर खाते हैं ना, बिटर चीज खाते हैं ना, कि जो खट्टी कड़वी चीजें होती हैं कड़वी, तो यहां तक तो हमें उसका पता लगता नहीं है, यहां तक तो हम ऐसे ही खा जाते हैं उसे, लेकिन जैसे ही वो इस एरिया पर पहुंचते हैं जीभ के, तो यहाँ पर हमें एकदम से लगता है भाई ये तो कड़वा है, ठीक है, कैसा है, कड़वा, तो ये कड़वा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव जीभ के किस भाग में होती हैं, तो खट्टे स्वाद के लिए होती है पार्श्व में, दोनों तरफ, इधर भी होगी और इधर भी होगी, देखिए पार्श्व, इनके ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन, अरे ये तो जीव ही बनी हुई है, हमने तो इतनी मेहनत कर दी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, चलिए हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे ये भी डायग्राम लगा हुआ, चलिए एक बार और देख ले, देखिए ये जीवा है, और जीवा के यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये किसका कौन सा स्वाद चख रहा है, ये बिटर यानी कि कड़वा, इसके बराबर में ये वाला कौन सा श्योर यानी कि खट्टा, यहाँ पर ये कौन सा पार्ट, ये नमकीन यानी कि सॉल्टी, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या, स्वीट यानी कि मीठा, रसगुल्ला खाते हैं ना तो यहीं से चख लेते हैं, कड़वी चीजें कुछ खाते हैं तो यहाँ जाकर के पता लगेगा, यहाँ तक तो हम खा लेंगे उसे आराम से, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे यहाँ तक ये टच किया एकदम पता लगा कि ये तो कड़वा है, हैं? तो ये हमारा, ठीक। तो डायग्राम से याद रखें, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कितनी बार जिन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और इतना फेवरेट क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा मीठे के लिए है, कौन सा कड़वे के लिए है, कौन सा खट्टे के लिए है, नमकीन के लिए कौन सा है, तो ये पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे सारा पार्ट।
चलिए जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, जीव द्रव्य की जो खोज की थी वो किसने की थी? केआर पोर्टर ने, डुजार्डिन ने, पुरकिंजन ने, डू लेव ने। तो देखिए डुजार्डिन जो है, डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की थी, ठीक है। डुजार्डिन ने तो खोज की थी, इसको इसको डिस्कवर किया था, लेकिन इसको जो नाम दिया था, जो इसका नॉमिनेशन किया था, नामांकन किया था, वो पुरकिंजन ने किया था, ठीक है। इसने पुरकिंजन नामांकन, इतना आपको याद रखना है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। खोज करने वाला डुजार्डिन है और जो नामकरण करने वाला है वो है पुरकिंजन। 49 हुआ, 49 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15, राइबोसोम की खोज किसने की, राइबोसोम की खोज किसने की थी? देखिए राइबोसोम की जो खोज करने वाले थे, देखिए डुजार्डिन और ये तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए और डी में से आप कर सकते हैं, डूबे या पेलेड। तो जॉर्ज पेलेड थे, जॉर्ज पेलेड ने ही कब, 1995 के दशक में राइबोसोम्स की खोज की थी जॉर्ज पेलेड ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहीं तक थे प्रश्न हमारे, 50 प्रश्न थे ये इम्पोर्टेंट। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक एक बार इसको शेयर करते हो, धड़ाधड़ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए आपसे एक बात है कि वीडियो जरूर देखा करें, जिसमें व्यूज आते हैं और जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो हम एकदम मोटिवेट होते हैं, तो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कभी होते हैं तो थोड़ा डिमोटिव होने जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट होता हूँ, अक्सर व्यस्तता की वजह से वीडियोस नहीं बना पाता, तो पीपीटीज मेरी बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन उनको रिकॉर्ड करना करने में टाइम लगता है, उसके लिए टाइम भी चाहिए, तो कभी कभी व्यवस्था के कारण नहीं बन पाता, बिजी लाइफ होने के कारण। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस दें, साइंस से रिलेटेड दे रहे हैं और करंट अफेयर, और साथ ही साथ आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, अभी जल्दी ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लाइव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नेटवर्क इशू है बहुत ज़्यादा है, तो नहीं हो पाता है। तो चलिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर विजिट कर रहे हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा इसको शेयर करें।